बोर ना काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। अपने साथ ना हो गया पोपट, यहाँ पे ना पाइप लगी हुई थी, दो पाइपें लगी थी, एक मेरे को गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और गाइस अभी ना बज रहे हैं 3:30 सॉरी 4, और हाँ घर में ना आज कोई नहीं, सिर्फ मैं और दादा भाई दो लोग बस हैं। लाइट जला दो यार, थोड़ा सा जेला हो जाए। तो गाइस आज था संडे, तो मैं ना सुबह सुबह जस्ट उठा, थोड़ा सा नहाने में आज लेट हो गया था अपने को, करीबन 11 बज गए थे। नहाया, इसके बाद निकल गया था दुकान। आलसी इंसान नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, बात अच्छे से करना, नहीं तो मार देंगे तो पट्टे बोलेगा। तो गाइस अभी अपना शेड्यूल कुछ ज़्यादा ठीक तो नहीं है, मैं थोड़ा देर अभी लेटा रहा भाई, खाना ना खाने के बाद ना, इसके बाद मम्मी लोगों को बड़े पापा को देना मेरे को पाउडर, एक था गेहूँ में डलवाने के लिए, क्योंकि ना छींटने में ना स्प्रे करने में ना प्रॉब्लम होती है, तो अगर छींट दिया जाए तो ज़्यादा सही रहता है, वो भी 240 रहता है, उसमें भी रहता है, लेकिन मिल नहीं रहा मेरे को ना पाउडर। कहाँ रखा है वो दवाई जो पापा लाए थे दुकान से? एक लाए थे। हाँ एक पैकेट थी, तो एक लाके दे दिए उनको बाहर। मौसम ना ऐसा बना हुआ है पूरा दाना, कल से ना पूरी धूप वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया है। और यहाँ पे भाई हम लोगों घर के जस्ट सामने ना कूड़ा लगा हुआ है, और हम लोगों के ना घर में वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पे पूरा लौकी का पेड़ एकदम छा गया है चारों तरफ से। और ये भाई गेहूँ की फसल, ये तो थोड़ा सा लेट का है, ये उधर साइड ना थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं पेड़, इधर साइड 10 दिन लेट हुआ था बोने के लिए। और अभी ना मेरा मूड बन रहा है कि बोर साइड चला जाऊं, बट शायद मेरे को लगता है कि गाड़ी उस साइड नहीं जा पाएगी, पर चलते हैं गाड़ी की चाबी लाते हैं पहले। मेरा फ़ोन भी ना डेडी पड़ा है यहाँ पे, मस्त बप्पा है लोग क्यों भाई शाम का क्या कर रहे हो बॉस? ओहो इधर लगी हुई है खवाई मम्मी ना होने के कारण, भाई चुप्पे चुप्पे निकाल कर अलमारी खोल कर लगी खाने में। चलो आगे दिखा दो, चलो 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 कितना खा रहे दिखा दो। अरे नहीं 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 गाइस क्या टाइमिंग थी, सही टाइमिंग में एकदम बिल्कुल एंट्री मारा, दिन भर खाने के लिए कह दे राक्षस इंसान को, कुछ नहीं एक केजी में लाया था भाई, अभी 15 दिन की नमकीन लाई नहीं, पूरा खा डाली धीरे धीरे करके। पापा जी भी खाए, इससे मतलब नहीं है। मेरी स्कूटी चाबी कहाँ दे दो, मैं जा रहा हूँ बोर साइड मस्त। भैया चलिए दिखाते हैं आपको ना वहाँ बी यू का पेड़ ना, मस्त अमरूद का भाई लगा हुआ है। लेना अपनी ये कोई कोट पहन लेते हैं, क्योंकि ना बाहर गाड़ी में ना ठंड भी मौसम है तो। और इस साइड का दरवाजा कर देते हैं बंद, ताकि कोई अंदर ना आए, इंसानों की दिक्कत नहीं रहती, मेन रहती कुत्तों की। और हमारे यहाँ ना बिल्लियाँ इतना ज्यादा परेशान करती हैं कि फिर आकर ना यहीं मस्त दबा कर सोती हैं। और कैसे निकलते हैं, कोट और तो अपना मस्त ना पहन लिया, क्योंकि चलते हैं भाई सीधा बोर के लिए। यहाँ पे मस्त बब्बा दादी लोग सभी लोग ना लगे हैं अपना थोड़ा बहुत काम में, मम्मी है नहीं घर में, मम्मी तो कहीं गई हैं, कहीं बला वगैरह था ना, तो वही पापड़ वगैरह बेलने के लिए गाँव में, यही मतलब बरसा लोगों घर साइड गई हैं, वहीं पर कुछ कार्यक्रम होने वाला ना। भाई फाइनली बोर पहुँच चुके हैं, यहाँ ना पापड़ डलवा रहे हैं यूरिया खाद, क्योंकि ना हम लोगों की जो बगिया है ना यहाँ यहाँ तक ना, यहाँ तक तो बाउंड्री की है वहाँ से यहाँ तक पूरा चारों तरफ, बट इस साइड ना बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं की है, ऐसे ही मतलब यहाँ गेहूँ वगैरह बुलवा देते हैं, धान के सीजन में धान बुवा दिए, तो इसमें ना इस बार ना मतलब थोड़े से एरिया में मतलब 20 फीट बोला जाए चौड़ाई लेकर, पूरे में ना यहाँ पे आलू वगैरह लगवा दिए, धनिया बुवा दिए, ये मस्त रहेगा। और इधर साइड तो यूरिया आज छीटर रही है गेहूँ में, हम लोगों गेहूँ तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मतलब 25 से 30 दिन के हो चुके हैं, एक पानी लग बगिया गया और थोड़ा सा ना कम पड़ गया था यूरिया के लिए, क्योंकि यूरिया ना फिर घुल नहीं पाती, तो आज ना क्योंकि हम लोग पास तो यूरिया थी ना बड़े दाने वाली आई थी, सोसाइटी से हम लोग मंगा लिए थे यूरिया 5-6, भाई हम लोग बाउंड्री चौक के ही चले जाते हैं सीधा कूद कर, तो यूरिया ना थोड़े से बड़े दाना की है, ऑलमोस्ट ख़त्म तो हो ही चुकी है, क्योंकि एक दो बोरी मैं इधर ही दे दिया था ऐसे ही, अब आशीष भैया से बोलूँगा तो 2-3 बैग मंगवा दूँगा, तो भाई अपने लिए तो हो ही जाएगा। दवाई पापा जी ने यूरिया बट किसान डलवा दिया था कि चारा जो है ना पूरी खरपतवार ख़त्म हो जाए, हम लोगों के बीहे के पेड़ भाई कुछ तो बीहे के पेड़ कट ही गए हैं, 2-3 पेड़ बचे हैं, जैसे ये लगा हुआ भाई अमरूद का पेड़ मस्त, यहाँ अंदर भी लगा हुआ है लहसुन का पेड़ है, इधर साइड उस साइड पालक टमाटर धनिया, उधर साइड गाय के खाने के लिए ना चरी लगी हुई है, इधर साइड बरसीन बोल दिया, बरसीन है चरी नहीं है बरसीन है। भाई अपने साथ ना हो गया पोपट, यहाँ पे ना पाइप लगी हुई थी, दो पाइपें लगी थी, एक मेरे को खाली दिखी तो मैं सोचा दूसरी पाइप भी खाली होगी, पानी नहीं चल रहा, बट इसमें से ना पानी चल रहा है, यहाँ पे ना पूरा कीचड़ था, मैं वीडियो शूट करते करते ना घुस गया यहाँ पे, मेरे पूरे पैर में ना कांदा कांदा हो गया। अभी चलते हैं इसको ना पहले चारे से ना घास फूस से साफ करेंगे, इसके बाद क्योंकि मैं चप्पल ना धुल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी चप्पल ना धुल दूंगा ना खराब होने लगती है, इसलिए चप्पल धुलना नहीं, सिर्फ कांदा मतलब ज़्यादा नहीं लगा नीचे जाता। ये है अपना छोटा सा कुआँ,
जिसमें पानी स्टॉक करके रख लेते हैं। मान लीजिए कभी लाइट वगैरह नहीं आई ना 2 से 3 दिन, तो गाय भैंस के लिए यहाँ हो जाता है, क्योंकि जो दादा रहते हैं ना उनके ना गाय भैंस रहती हैं, तो उनके लिए भी हो जाता है, हाथ में धुलने के लिए भी, हर काम के लिए हो जाता है। ये हम लोगों को जामुन का पेड़ और ऐसा कुछ दिखता है बोर। गाइस फाइनली अभी ना अपन लोग निकलते हैं यहाँ से सीधा दुकान के लिए, क्योंकि ना ओ भाई मैं मिट्टी खेल रहा था, मस्त टाइट वाली थी, मेरे शर्ट में लग गया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा दुकान, क्योंकि ना मेरे फ़ोन में ना बैटरी बची है 20%, पूरी तरह से डेड हो चुका है। मैसेज भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, और नोटिफिकेशन ना भाई पंडित के ना फ़ोन में भी चला गया होगा, पापा के फ़ोन में भी, क्योंकि ना मैंने सेटिंग कर रखा है कि जब मेरे फ़ोन की बैटरी 20% हो जाएगी ना तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, मम्मी पापा और बेटू तीन लोगों की इसमें चला जाएगा। निकलते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पापा लोग तो अभी अपना काम करते रहेंगे। अभी ना रात के बज रहे हैं 9, मैं ना दुकान गया, दुकान में जाने के बाद ना एक दो लोग और आ गए, सुमन भैया, अमन भैया, सभी लोग आ गए ना, तो वहाँ बार करते करते अपने को टाइम लग गया सीधा सीधा 9:30। अभी 9:30 बज, मतलब सॉरी 9 बज गए मेरे को, अभी बज रहे 9:20 में, अभी जस्ट आया, सीधे गया, मम्मी खाना बना रही थी, मस्त आग जल रही थी, और आग जलते जलते परपट लिया मस्त मूली का पराठा, अब सीधे आ गया हूँ अपने रूम में, चलते हैं। और आज स्वाति मैडम हमारी यहीं सोएंगी, क्योंकि पापा आज बोर नहीं आ रहे हैं, आज पापा की सिंचाई बंद, यूरिया भी डल चुकी खेत में, आप लोगों को दिखाया ना यूरिया डली हुई डालते हुए, तो पापा का आज से काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं, मस्त वीडियो एडिट करते हैं, क्योंकि ना मेरे को आज जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि कल है मंडे, दुकान खोलना पड़ेगा 10 बजे, आज गया था मैं 11 बजे, मेरे को 11:30 बज गए थे आज, आज तो कोई ज़्यादा काम नहीं था इसीलिए लेट लपाट हो गया, चलता है। बट हाँ, मैं सोच रहा था मेरा वीडियो ख़राब क्यों हो रहा है, लेकिन लाइट बंद थी इसलिए था, अब ठीक, अब थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाकर, तो चलते हैं तैयारियां करते हैं अपने, पहले सोच रहा था एक बार मुंह धुल लेते हैं, चलते हैं एक बार फ्रेश होते हैं, मस्त बाहर चल के घूम भाग कर आते हैं, इसके बाद यहाँ पर हमारी मम्मी लगी हुई है ये इसकी पागलपंती शुरू, कुछ काम धाम नहीं है। अच्छा फोटो खिंचवाने को राम निकल आए, चलते हैं अपने काम धाम में, अपना वीडियो एडिट करना शुरू कर देंगे, अभी बज रहे हैं रात के 10, मतलब 12-1 के बीच में अपना हो जाएगा ऑलमोस्ट पूरा काम, इसके बाद सीधा दबाकर सोएंगे, क्योंकि कल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, परसों भी नींद पूरी नहीं हुई, दोपहर में भी सो नहीं पाता, मैं कल ना थोड़ा सा दोपहर में सो भी गया था आधे से एक घंटे के लिए, आज तो बिल्कुल नहीं सो पाया, क्योंकि आज मैं 3 बजे तो दुकान से आया हूँ, और इसके बाद खाना खाकर आधे घंटे लेटर रहा, इसके बाद सीधे निकल गया दुकानी के लिए, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी ना। तो गाइस अभी ना इस ब्लॉग को यहीं पिन करते हैं, होपफुली आप लोग ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कहां कहां तक वीडियो पहुंची हम लोगों की। होपफुली आप लोग ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, बाय।